सलामैकम मैं मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ और आज हम उसके लेक्चर नंबर 24 के साथ हैं आपके साथ तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन सो एज आई सेड, वी आर हेयर विद अवर लेक्चर नंबर 24। फोर ऑलमोस्ट आर मोर देन हाफ वे थ्रू और कॉन्फिडेंट आई एम श्योर दैट आप लोग अब इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने लगे हैं और आपकी जो एफर्ट्स थी और हमारी जो कोशिश था इसका आस्ता आस्ता फायदा होने लगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट इफ संबाडी कैन आस्क यू दस्ट टू टेल एस वॉट इज दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट why it is important why are we concerned about this subject and how it is going to help you in your real life so you people will be more than confident to answer such questions and justify your answers and that is important let us start our today's session as usual before start, starting about today's topics we have to go back and see what we covered in our last lecture which was 23rd lecture in last lecture we try to understand that how we can maximize our learning because we are discussing training and development program abam institution andar अपने एम्प्लॉयज की बात करते हैं अपनी वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं कि तो उसको किस तरह ट्रेन करना है किस तरह उसकी डेवलपमेंट करनी है एंड फॉर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द लर्निंग प्रोसेस उन चीजों को हमने डिस्कस किया एंड वी आल्सो डिस्कस व्हाई वी वांट टू गो फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो मैनी डिफरेंट रीजन वी डिस्कस्ड कोई एक का याद है उसमें से पर्सन नीड भी होती है हर इंसान चाहता है कि उसकी डेवलपमेंट हो उसका कैरियर आगे बढ़े टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू अवाइड एनी ऑप्शन एंड सो ऑन उसके बाद हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया एंड वी कंक्लूडेड दैट ट्रेनिंग इज फॉर करंट जॉब व्हेन यू आर टीचिंग व्हेन यू आर ट्रेनिंग पीपल फॉर द करंट जॉब वी कॉल इट ट्रेनिंग एंड इफ इट इज फॉर द फ्यूचर वी कॉल इट डेवलपमेंट। ठीक है एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट द कॉल इट ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट And we were convinced that this is part of the human resource management, or HRD13 objectives, OTN, training and development, individual development and agnation development. And we also kind of concluded that training is part of HRD program. और फिर उसका थोड़ा सा आगे डेप्थ पे जाके हमने ट्रेनिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की बट रिमेंबर वन थिंग दीज आर अवरलैपिंग कॉन्सेप्ट डोंट गेट योर सेल्फ कंफ्यूज इन दोज थिंग्स सो लेट्स मूव टू टूडेज सेशन टुडेज टॉपिक एंड दैट इज अबाउट कैरियर इसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करते हुए हमने कैरियर का भी एक दो दफा जिक्र किया तो वी थॉट लेट्स हैव वन लेक्चर डेडिकेटेड फॉर दिस टॉपिक द कैरियर डेवलपमेंट, द कैरियर मैनेजमेंट द कैरियर प्लानिंग ये क्या चीजें हैं बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग ह्यूमन रिसोर्स द वर्क फोर्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देयर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन देयर

चल के वो किस पोजीशन पे पहुंचे दैट इज हिज कैरियर कोर्स उसको कैरियर पाथ भी कहते हैं बिफोर वी शुड प्रोसीड फर्दर लेट मी काइंड ऑफ शेयर विद यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज द यूज इन दिस कैरियर फंक्शन द कैरियर प्लानिंग टर्म्स जिसको हम कहते हैं आपके टेक्स्ट के अंदर भी हैं और कहीं भी आप कैरियर के बारे में जब बात करते हैं तो इस तरह की टर्म्स आती हैं सामने तो लेट्स गेट दम क्लियर बिफोर वी शुड प्रोसीड फर्दर वट इज कैरियर पाथ ए कैरियर पाथ इज द स्क्वेंशियल पैटर्न जो है आपको जैसे मैंने कहा लाइक आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए लेक्चरर फिर साथ, -साथ आप लर्निंग करके और एजुकेशन लेके आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पोजिशन पर जाते हैं फिर उसके नेक्स्ट पोजिशन और जो स्क्वेंशियल पाथ बनता है आप किसी के कैरियर के अंदर उसको हम कैरियर पाथ पर कहते हैं वट इज कैरियर गोल गोल तो समझते हैं ना आप क्या कहां पहुंचना चाहते हैं आप एंड कैरियर गोल्स के अपने कैरियर के अंदर कहां तक आप कैसे जाना चाहते हैं कहां जाना चाहते हैं कैरियर गोल्स आर दूचर पोजिशन वन स्ट्राइव क्यों आप पढ़ रहे हो क्या करना चाहते हो एंड देर इज नो एंड रिमेंबर वेन समी फील के यस देर शी हेज रीच एट ए पॉइंट वेयर अब उसको आगे स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं है तो वी पर्सनली आई पर्सनली फील दैट ट इज एंड ऑफ हिस्स कैरियर और हर कैरियर आप किसी भी एक स्टेज पे पहुँचते हो उससे अगली स्टेज के बारे में आप सोचना शुरू करते हो डिजायर करना शुरू करते हो और अच्छा इंसान वही है इं, इंटेलिजेंट वही इंसान है जो उसके लिए फिर एफर्ट भी करता है खाली सोचता है, नहीं खाली वो इंस्पायर नहीं होता उन चीजों से बल्कि

how much effort i am putting there to reach there i am talking about a legitimate efforts one can ask a question why we are concerned about these things again remember one thing because one way or other way me you everybody has to deal with the people and when we are working in an organization व टू डल दीज टेप ऑफ इशूज टू हर एक इंस्पायर करता है हर कोई आगे जाना चाहता है और हर एक कोशिश होनी भी चाहिए कि अपने कैरियर में आगे बढ़े एंड देट इज वट इज कैरियर गोल दैट यू वो जो फर्दर आगे स्टेप्स टू पोजिशन है उनके लिए स्ट्राइव करते हैं एंड दीज गोल्स सर्व एज बेंच मार्क फॉर यू एंड दे आर द चैलेंज फॉर यू दे आर द इनिशियटिव फॉर यू द हार्ड द चैलेंज इज द मोर एफर्ट पुट दे आर टू रीच दे आर तो ये हो गया कैरियर गोल्स वट इज कैरियर प्लानिंग कैरियर प्लानिंग इज द प्रोसेस बाई विच वन सेलेक्ट कैरियर गोल्स एंड द पाथ टू दो कौन सा पाथ मैंने अडॉप्ट करना क्या गोल होंगे और कैसे मैंने उसको करना है दैट इज द कैरियर प्लानिंग यू माइट हैव अ कैरियर प्लान दैट यू वांट टू बी अ गुड टीचर है आई यू वांट टू बी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर आई यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन और उसके लिए आपने ये ये क्वालिफिकेशन अपनी इंप्रूव करनी ये skills है ये स्किल्स अपने अंदर लाने हैं और ऐसे ऐसे आपने मूव करके यहां पे जाना है Recall when we were talking about the planning part, I think it was early third, fourth lecture. Tha. So I, I requested you people that you should prepare, prepare a five or ten year next your next five or ten year plan. Once you have planned something, you should stick with it. No. With the changing environment, you might have to adjust your career path or your goals. And that is again normal. And we should do that. You should always keep your eyes in ear open. You should always be alert. And you should scan the environment and see what is happening. And how can I be in a best way reach my goal of careers? So that was career planning. व्हाट इज करियर डेवलपमेंट इसको थोड़ा सा आइसोलेट करके एक एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें ना तो सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कैरियर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्सनल इंप्रूवमेंट्स वन अंडरटेक्स टू अचीव ए पर्सनल कैरियर प्लान अब जो आपने प्लान किया है उस प्लान को करने के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हैं दैट इज योर कैरियर डेवलपमेंट एक्टिविटी आप ये कोर्स कर रहे हो ये पढ़ रहे हैं आप जाके कुछ चीज सीखते हो इवन यू टॉक विद द पीपल यू डिवेल्प योर नेटवर्क दैट इज आल्सो The career development. and that is all about the carrier things. we are not done with the topic, but what i am saying, the few terminology which normally you listen or talk with the people, whenever you are talking about the carrier, carrier path hai apka, Career carrier planning kaise ki aapne? and nowadays even institutions, they have their career planning department for their students.

Toward his career, so don't you think it will be good for the pe person, and also it is good go going to be good for the institutions, organization, and ultimately, as a whole, the society is going to get the benefit. So these were the basic terms. I thought I should share with you so that you should not have any doubt in your mind. Now, when we are talking about the career, there is some common concern. Everybody. ज सर्टन क्वेश्चन टू हिमसेल्फ हर सेल्फ वट आर दोन डू कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प माई चांस फॉर द प्रमोशन आप जब भी कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च करती है तो पहला क्वेश्चन हर एक के जहन में आता है वाई शुड आई गो फॉर दिस प्रोग्राम आर नॉट आजकल वैसे भी देखें कि इतना प्रेशर है कि पीपल गो फॉर द डूएल प्रोग्राम्स मॉर्निंग में जॉब कर रहे होते हैं शाम को पड़ रहे होते हैं ग्रेय ग्रे हेयर पीपल इवन पीपल लाइक माय एज क्यों करते हैं ये सारा कुछ क्योंकि उनके जहन में होता है कि ये चीज करने से उनका आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे सिमिलरली इफ in इन ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए कंपनी उसके लिए कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो लॉजिकली उनका कंसर्न होगा कि इसका मुझे क्या फायदा है इमीजिएटली और फिर आगे मेरे कैरियर पाथ में मेरे कैरियर गोल्स को अचीव करने में मुझे कैसे हेल्प करेगा वन एवर समय स्टार्ट ए जॉब शुरू में तो आगे जब आप पढ़ेंगे मोटिवेशन थ्योरीज को वहां पे मैं स्टेजेज आपके साथ स्टेप्स जो डिस्कस करूंगा वहां भी इस टॉपिक को ला, लाएंगे कि जब आप लेट्स सी यू हैव कंप्लीटेड योर क्वालिफिकेशन योर स्कूलिंग और कॉलेज वाट एवर यू आर डूइंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो पहला ऑप्शन पहली चॉइस पहला कंसर्ट जो आपके जहन में आता है टू गेट ए जॉब जब जॉब मिल जाती है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो नेचुरली अगली स्टेज आती है हाउ शड आई एक्सेल कैसे मुझे एडवांस मिलेगा एडवांस मीन आपके कैरियर के आगे कैसे बढ़ेंगे Another concern. अगर आपका इमीडिएट बास आपको कैरियर काउंसलिंग नहीं करता तो कुछ अरसे बाद आप खुद सोचना शुरू कर दोगे कि ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरा बास सेल्फिश तो नहीं कि वो चाहता है कि मैं इसी स्टेज पे इसी तरह काम करता रहूं या मेरी इंस्टीट्यूशन जो है वो आई दे डोंट वांट टू लूज मी किसी दौर में यह कॉन्सेप्ट था कि लोग अपने उस इलाके के लोगों को पढ़ने नहीं देते थे वह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खोलने देते थे क्योंकि दे वर थिंकिंग दैट दे विल बी लूजिंग द लेबर फोर्स सिमिलरली इंस्टीट्यूशन वाज थिंकिंग दे आर थिंकिंग दैट व्हाई टू गिव देम एक्स्ट्रा नॉलेज वाइट टू गिव दम एक्स्ट्रा चांस टू गो फॉर हायर एजुकेशन बिकॉज देन देर आट गोइंग टू स्टे विद दिस जॉब

दिस मोस्ट प्रमोशन बेस्ड ऑन लक एंड नोइंग द राइट पीपल टू सम एक्सटेंड मे बी दैट माइट बी कुरेक्ट बट इन लॉन्ग नंग इट इज नॉट गोइंग टू बी द लाइक द सेम थिंग लक भी उन्हीं को हेल्प करती है जो एफर्ट करते हैं वक्ती तौर पर शायद कोई किसी लिंक के जरिए अपॉर्चुनिटी ले ले एज एलवेज से टू माई स्टूडेंट के ये जो विसाखियां होती हैं ये ज्यादा अरसा आपको लेके नहीं चल सकती आपको अपने आप पर बिलीव करना चाहिए अपने जोरबाजों के तहत आगे चलना चाहिए बट स्टिल दिस इज द कंसर्न मोस्ट दीपल आस्क ये लकसा प्रमोशन होती हैं या राइट पीपल से वो जो कनेक्शन बनते हैं जो क्लिक्स बनते हैं उनके जरिए आगे बढ़ता है इंसान So that is another concern and sometime people can also think that, do I need a degree for this job? Or every job has its specific requirements, in the education sector, mein, unless you are PhD, you cannot think of moving after certain positions. एक खास पोजिशन से आगे बढ़ने के लिए आपके पास स्पेशली यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर आपके लिए पीएचडी का होना जरूरी है लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे इवन प्राइवेट सेक्टर में इवन बैंकिंग सेक्टर में यू डोंट नीड टू हैव ए पीएचडी देयर। तो आपको देखना है कि जिस कैरियर पाथ को आप अडॉप्ट कर रहे हैं जिस लाइन पे आप चल रहे हैं वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है And that is another concern. And especially nowadays, when we are talking about the right sizing, the downsizing, and such type of things. And that can be another concern in the mind of the people whether my job is secure or not. And believe me, if you are delivering, if you are competent enough in your field. योर जॉब इज ऑलवेज क्योर यू बिकम द नेसेसिटी फॉर दर्गेनाइजेशन हाँ वो लोग जैसे मैंने अभी कहा था कि जिनको विसाखियां किसी की किस सिफारिश के जरिए किसी क्लिक के जरिए वक्ती तौर पर आगे आगे दे माई बी फीलिंग अनसिक्योर क्योंकि वो बैसाखियां किसी वक्त भी गिर सकती हैं तो कमिटमेंट कॉम्पिटेंस बिलीव ऑन योर सेल्फ नो प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज हैव ए प्लेस फॉर यू वक्ती थोड़ा बहुत तकलीफें आती हैं जिंदगी में कैरियर के अंदर पर वो वक्ती होती हैं क्योंकि बिग बॉस सिटिंग अप स्टेयर द नेचर वो भी देख रहा है और वो नेचर का अपना कोर्स ऑफ एक्शन है और वो कभी ज्यादा नहीं होने देते तो बिलीव ऑन योर सेल्फ वर्क हार्ड, सो लेट्स सी लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट कैसे होती है कुछ एंड अगेन इट डिपेंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री आपकी परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपसे कहा यही आपकी दोस्त भी हो सकती यही आपकी दुश्मन भी हो सकती इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल तो ये आपका प्लस पॉइंट है आपके कैरियर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा वक्ती छोटी बहुत तकलीफों से परेशान नहीं होना चाहिए अपनी मेहनत करते रहना चाहिए एंड इफ यूर नॉट डिलीवरिंग यू आर गिविंग बैड परफॉर्मेंस दैट इज योर ओन एनिमी आप अपने खुद दुश्मन है तो कैरियर डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती सो परफॉर्मेंस इज वन थिंग One kind of force which can help you in your career development. What else? Expire. Expire about what? About your feel? About your job? The more expire you have, the better option you can have at your workplace. The more you know about your job and उसके जो पेरिफिल जो बाकी उसके लिंक चाहिए उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल हैं उतनी ज्यादा अच्छी आप परफॉर्मेंस देंगे नेटवर्किंग यस इट इज आल्सो देयर हाउ वेल आर कनेक्टेड इन यूर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं दैट कैन आल्सो हेल्प यू इन योर कैरियर डेवलपमेंट रजिस्ट्रेश रेजिग्नेशन समाइम येस वेरी इंटरेस्टिंग एन एव आ स्टूडेंट वु डिड स्टडी लेट सी दिग ज्वाइंट्स ऑफ द बिजनेस उनका कैरियर पाथ कैसे था कैसे शुरू हुए कहां तक पहुंचे एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट वॉज काइंड ऑफ़ फ़िगर आउट ये मालूम हुआ कि उन सब के अंदर एक चीज कॉमन है वो क्या थी इधर दे दे हैव फायर आर फ्रॉम है जॉब्स अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल से हम सारे अपना रिजाइन करना शुरू कर दें कि इससे बड़े आदमी बन जाएंगे नहीं इसके पीछे भी एक लॉजिक है नाउ हु रिजाइन फ्रॉम दर्गेनाइजेशन किसको फायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो वह जो काम नहीं करता दैट इज ओके लेकिन अमूमन वो लोग जो चैलेंज करते हैं नाउ हु इज गोइंग टू चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन वो लोग जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज होती है दे ऑलवेज चैलेंज द प्रोसेस दे ऑलवेज चैलेंज द इश्यूज तो क्या होता है नेचुरली दे आर मिसफिट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो या तो उनको निकाल दिया जाएगा या वो रिजाइन कर जाएंगे दैट इज वन एक्सट्रीम प्लीज डोंट टेक इट्स फॉर ग्रांटेड के नहीं आपका रिजाइन करना आपका नौकरी छोड़ना आपके लिए एक पुश है येस अल्लाह तला ने भी कहा आपको सेटिस्फाइड नहीं दूसरा काम करो तो वो जो थ्रस्ट है जो किसी इंसान के अंदर होती है वो उसका ड्राइव इतना पैदा करती है कि दे डोंट फील कंफर्टेबल और फिर रिस्क टेकिंग भी इज ऑलवेज देयर तो ये भी एक ऑलवेज मैं फिर इसको स्ट्रेस करूंगा कि इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए कि रिजाइन करना या नौकरी छोड़ देना एक अच्छी बात है नहीं और यह भी एक कैरियर डेवलपमेंट में एक इंडिकेटर है कि आपको नया चांस मिला आपने छोड़ा दूसरी जगह चले गए एंड दैट इज वन वे ऑफ डेवलपिंग योर कैरियर वॉट एल्स If you are loyal to your organization, yes, this is also one good point. Your spirit will consider while well, promoting people. Organization citizenship concept, we discussed it. You are not only working to the expectation, but you are giving more than is expected from you. And when can you give more? When you are loyal to your institution.

दैट द रिजल्ट बींग जनरेटेड इज दट यू वर्क और अगर अच्छे आपको सबॉर्डिनेट मिल जाए यूर ब्लेस्ट तो किस तरह के अच्छे की सबॉर्डिनेट अगर आपके साथ भी हैं जो डिलीवर कर रहे हैं तो यह भी एक पॉइंट बन सकता है किसी के भी कैरियर डेवलपमेंट के अंदर एंड हाउ मेनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इवन समाइम देव ऑर्गेनाइजन बिकॉज देव एनीचुनिटी देयर आगे उनके कैरियर पाथ में नजर ही कुछ नहीं आ रहा उनका तो कुछ ऑर्गेनाइजेश्स जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास काफ़ी ग्रोथ की चांसेस होते हैं एंड दैट इट सेल्फ इज वन प्लस थिंग इन वंस कैरियर डेवलपमेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज अनदर वे ये उसी में आता है द मोर द एक्सपोजर यू हैव द बेटर ऑप्शन यू कैन हैव द बेटर चांसेस यू कैन हैव और अगर किसी ने किसी और जगह जाके काम किया स्पेशली ने मल्टी नेशनल इन्वायरमेंट के अंदर बाहर जाके देखा तो उसका वी एन उसका एक्सपोजर उसकी तौर तरीके ही चेंज हो जाते हैं और उसको भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज ए प्लस पॉइंट देती हैं जब आपके लिए प्रमोशन और आगे बढ़ने के चांसेस का डिसाइड होता है लेट्स सी दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट और इसको भी आप इस तरह लीजिए कि इट डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पहले चंद में बेसिक जो एक बुक से मैंने ली हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा फिर एक जर्नलाइज उनको कंसेप्ट के थोड़ो तो डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। फर्स्ट स्टेज दिपरेशन फॉर वर्क ये अमूमन आपकी मैक्सिमम पच्चीस साल तक जाती है और अगेन रिमेंबर एज अर्यर इट डिपेंड ऑन कंट्री सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेशन हमारे यहां तो पंद्रह सोलह साल से लोग जॉब करना शुरू कर देते इसमें क्या होता है कि जो प्रिपरेशन स्टेज होती है इसके अंदर लोग अपना एक इमेज बनाते हैं कि उन्होंने क्या करना है सम पीपल थिंक दे वॉन्ट टू गो इन मेडिसिन प्रोफेशन शुरू से ही वो फिर आप जिस तरह करते हो साइंस पढ़ते हैं प्री मेडिकल पढ़ते हैं फिर कोशिश करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं कुछ लोग हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं कुछ लोग हैं वो पायलट बनना चाहते हैं और आजकल नए जो नई फील्ड आती जा रही हैं कुछ लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं कोई बिजनेस में जाना चाहते हैं सो सोआ तो उस इमेज के बेस पे वो चॉइसिस के बेस पे वो फिर परसू करते हैं ताकि उसके लिए नेसेसरी एजुकेशन है वो हासिल की जाए किस फील्ड में जाना है किस किसान दाखिला लेना है कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं दीज आर डिसीजन यू विल बी मेकिंग एट दिस स्टेज उसके बाद सेकेंड स्टेज एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंट्री वंस यू हैव कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन एजुकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन एजुकेशन देन यू एंटर इन ए ऑर्गेनाइजेशन और इस पर भी अट्ठारह से पच्चीस साल के दरम्यान का जो एज होती है दैट इज अवेयर पीपल कंप्लीट देयर सिटी लेवल एजुकेशन और जो कॉलेज लेवल एजुकेशन होती है जहां से कैरियर शुरू करते हैं इसमें क्या होता है कि वो जॉब जो उसको मिलती है ऑफर वो देखता है और फिर अपनी डिजायरेबल ऑर्गनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन इज पर्सनल लाइकिंग डिसाइकिंग किस कंडीशन में वो है वो मुख्तलिफन को देखता है और फिर उसमें से जो मोस्ट प्रपियर वो समझता है उस जॉब को वो लेके ले शुरू कर देते हैं थर्ड स्टेज इज अर्ली कैरियर शुरू के चंद साल जो हैं, again, the, don't, don't, uh, है अगेन डोंट डोंट वरी अबाउट द एज इट कैन वेरी वो जॉब को सीखता है अग्निशनल रूल रेगुलेशन को समझता है ही आर शी बोथ यस। और वो देखता है क्या वो फिट है उस चूजन प्रोफेशन के अंदर या नहीं हो सकता है कि जब उसने कुछ चीज सोच के जॉब शुरू की थी नाउ आफ्टर हैविंग दैट मच एक्सपोजर नाउर शी शुड फिगर आउट नाउ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी आई शुड लुक फॉर सम अदर थिंग और या उसी में रहते हुए अपने लिए कुछ गोल फिक्स करके उसको परसू करते हैं स्टेज फोर मिड कैरियर इसमें क्या होता है दोबारा गोल्स करता है मॉडिफाई करता है चॉइसेस बनाता है उसमें इंसान और आगे कैरियर के अंदर वो अपने कैरियर गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है और आखिरी स्टेज लेट कैरियर स्टेज जो रिटायरमेंट पे खत्म होती है और हमारे यहां तो जैसे आपको पता है या तो 40 ईयर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो 40 ईयर सर्विस कंप्लीट करें या 60 सिक्स की एज में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की इसमें क्या होता है वो कोशिश करते हैं प्रोडक्टिव रहें सेल्फ स्टीम की तरफ और इफेक्टिव रिटायरमेंट के लिए कि बाइजत तौर पर रिटायर हो जाए भाई एक तरीका ये था ये मुख्तलिफ स्टेज थी एक ट्रेडिशनल आप अपनी जब टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे या मुख्तलिफ रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ इनको किसी और तरीके से भी डिस्कस किया गया मैंने सा सोचा आपके साथ वो भी शेयर करते चले पहली स्टेज को एक्सप्लोरेशन स्टेज कहते हैं वन पीपल एक्सप्लोर कि क्या अच्छा है क्या करना चाहिए अपने इंटरेस्ट देखते हैं कैपेबिलिटीज को देखते हैं एंड लुक द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट दूसरी स्टेब्लिशमेंट स्टेज है जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं एक मीनिंगफुल रोल लेने की कोशिश करते हैं फिर मेंटेनेंस स्टेज आती है जहां अपनी कैपेबिलिटीज और टैलेंट के में से आप मैक्सिमम फायदा लेके अपनी आग्नेशन के अंदर जगह स्क्योर करते हैं आप देन हैंजमेंट स्टेज ये क्या होती है जब आता था आते फिर आप उसमें से क्लोज टू रिटायरमेंट आर इवन इफ यू हैव सम अदर ऑप्शन यू वॉन्ट टू पुल आउट योर सेल्फ तो ये सारा कुछ कहने का मकसद यह क्या कि मुख्तलि फेजे से गुजर के आप कैरियर का अपना बनाते हैं और उसमें काम करते हैं लेट्स सी वॉट आर दल्टरनेटिव कैरियर मूव्स जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने रिजाइन कर दिया दैट इज वन कैरियर मूव चंद आल्टरनेटिव आपसे शेयर करते हैं प्रमोशन इज वन यस ट्रांसफर इज अनदर वन डिमोशन नेगेटिव ये दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ बिकॉज यू हर डिफरेंट मूव इन यूर कैरियर एंड एग्जिट वैन यू रिजाइन आई है सारी चीजें करियर के अंदर आती है वेन यूर डीलिंग विदीपल इफ यूर कॉन्सेप्ट आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स यू कैन हैंडल द सिचुएशन वेल और उसके अच्छे रिजल्ट भी निकल सकते हैं। कमिंग बैक टू कैरियर प्लानिंग वाई giving गिविंग एक्स्ट्रा काइंड ऑफ फोकस extra एक्स्ट्रा kind फोकस of, uh, ज यू आर ऑल्सो इन द फेज ऑफ कैरियर प्लानिंग तो अभी से चीजों को देखना शुरू कीजिए सोचिए क्या करना है कैसे करना है एक अमेरिकन प्रोब है इफ यू डोंट हैव ए प्लान फॉर योर सेल्फ यू विल बी पार्ट ऑफ तो फिर तो अभी बस हो गए अब उसकी चाय से कहां पे आपको फिट इन करता है तो बेटर यू हैव वन शुड हैव हर ओन प्लान कैरियर प्लानिंग इज ए टूल टू इनकरेज एम्प्लॉयज डिवेलपमेंट जब कैरियर प्लानिंग करते हैं तो आपके अंदर एक थ्रस्ट पैदा होती है कि मैंने अगले स्टेज पर जाना है उसके लिए मुझे ये करना है अच्छी परफॉर्मेंस देनी है लर्न करना है एक्सपोयर करना है अपना आप और दूसरों से बेहतर साबित करके मुझे आगे आना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दर्गनाइजेशन इज कंसर्न बिकॉज इट इज गिविंग ए सेंस ऑफ कैरियर वर्सेज जॉब विद इन द कंपनी इफ यू आर ओनली डूइंग द जॉब दैट इज नॉट ए बिग थिंग बट इफ यू आर यू हैव ज्वाइन फॉर द कैरियर जॉब दैट इज इंपॉर्टेंट आपने भी सुना होगा आपके टीचर भी बताते होंगे आपको साथी भी डिस्कस करते होंगे कि आई वांट अ कैरियर जॉब आई डोंट वांट टू ओनली गो फॉर द वर्क अब इसमें थोड़ा सा फर्क है ना यू आर डूइंग ए जॉब फॉर द सेक ऑफ जॉब के चले मुझसे कुछ वहां से अर्निंग हो होगी दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस एन अदर वे इज आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस जॉब बिकॉज दे हैव ए वेरी गुड कैरियर पाथ देयर इनिशियली आई माइट गेटिंग लेस दैट इज ओके बट स्टिल आई एम

जैसे मैंने आपसे कहा इट नीड टू हैव ए गुड परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस एजुकेशन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन यू हैव टू डू सो मैनी थिंग्स टू रीच देयर खुद ब खुद नहीं हो जाता और वैसे भी अब वो काम खत्म हो गए जहां पे लोग साल गिला करते थे कि इतने साल होंगे तो ये हो जाएगा नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर गोइंग फॉर द परफॉर्मेंस पेस प्रमोशन परफॉर्मेंस पेस आगे कैरियर डेवलपमेंट होती है कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा इसको मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज टाइम यू शुड बी गिविंग हिस्सिज स्टार्ट और ऑन दिस थिंग करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अफन डन थ्रू प्लानिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और वह अदारे अच्छे समझे जाते हैं जिसके अंदर कैरियर काउंसलिंग होती हो कैरियर प्लानिंग होती हो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन दी जाती हो उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जाती हो

उसके लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको फैसिलिटेट करें उसके लिए टॉप कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इज वेरी इसेंशल कैन ऑफर कैरियर प्लानिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट अपने एम्प्लॉज को वेल well इंफॉर्म रखा जाता है कि ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ये यहां सीखने का मौका मिल रहा है आपको यहां, यहां आपको हम फैसिलिटेट करेंगे

मुख्तलिफ एग्जाम लिए जाते हैं जो भी वो एग्जाम क्लियर करता है उसको अगले स्टेज पे भेज दिया जाता है या उसके साथ कोई फाइनेंशियल बेनिफिट रखा होता है तो दीज आर गुड इंसेंटिव दीज आर गुड मोटिवेशन फैक्टर्स वन शुड डू सिमिलरली द कैरियर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट

दूसरा यह कि अच्छा थोड़ी सी मेहनत करूंगा शायद आगे चला जाऊं लेकिन उसके साथ साथ और काम भी है ना आपकी लर्निंग है आपकी एजुकेशन है आपकी एक्सपोजर है ये बहुत सारी चीजें हैं और अपॉर्चुनिटी कहां कहां है एंड दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज कि ये भी करने से इस तरह निकल के भी आप कैरियर आगे आ सकते हैं यह क्वालिफिकेशन आप इंप्रूव कर लें तो आपका जो टाइम गैप है वो कम हो सकता है तो Somebody has समबीज इन and who can be दैट एचआर डिपार्टमेंट योर मैनेजमेंट एन एचआर डिपार्टमेंट कैन इंक्रीज दैट प्लानिंग अवेयरनेस बाई हाउ उसके लिए अमूमन वो सेमिनार करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोगों को पता हो कि किस कौन कौन सी चीजें करके कैसे वो अपने कैरियर से आगे एक्सेल कर सकते हैं और क्या कहींवन अपॉर्चुनिटी लोगों को पता नहीं होता कि आगे मैं क्या बन सकता हूं दे केन हैव द वर्कशॉप्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एच आर डिपार्टमेंट गो एंड गिव द स्पीच इज देर एट द वर्क उसके अलावा न्यूज डेटा इशू किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है इवन कई नई ओपनिंग निकलती हैं उनको भी इंफॉर्म किया जाता है लोगों को And all of these items can be helped to increase the interest in planning. But remember one thing the senior management backing is a must. If your top management is not committed, and if they don't mean it, then forget about any activity. So top management ki jo backing. Hai, इस सारी प्लानिंग प्रोसेस में इस कैरियर डेवलपमेंट में वो बड़ी ज़रूरी है और ये सबके लिए फ़ायदा है उस पर्सन के लिए भी उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उस सोसाइटी के लिए भी तो दूसरे को तरक्की करते रहना चाहिए उनको ऑप्शन देनी चाहिए उनको चांसेस देने चाहिए

और फिर अपनी इर्ग अपॉर्चुनिटीज को देखो और थ्रेट्स को देखो लेट सी इन द बिग पिक्चर हाउ दिस एच आर इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो कैरियर डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है और उसका जो मेन गोल होता है क्रिएट मैच अब इन इंडिविजुअल्स वर्सेज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अब ये तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपके ही नीड्स को देखते रहे और अपने इंस्टीट्यूशन की जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट उसको भूल जाए नहीं द मेन गोल विल बी टू क्रिएट ए फिट एंड टू लुक क्रिएट ए मैच बिटवीन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो कैसे होता है वो एक साइक्रिक थिंग है फोर्थ स्टेज का नंबर वन टू द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस तरह एक्सपेंशन करें अपने इन इंडिविजुअल को अगर ये ट्रेनिंग करके उनके भी पोजिशन आप करके दोनों की उसको मैच कर दिया जाए डोंट यू थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सिमिलरली देन दे हैव टू आइडेंटिफाई द कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन की आप नीड देख रहे हैं ग्रोथ की डेवलपमेंट की उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ कोई नई पोजिशन नई बात बनेगा ना और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ताकि अगर किसी ने वो काम करना है तो उसको क्या क्या और उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज आए दैट इज द सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज विल बी टू गेज टू जज द एम्प्लॉयज पोटेंशियल क्या क्या कैपेबिलिटीज इनके अंदर है क्या ये लोग उस पोजिशन के लिए काम कर सकेंगे दिस कंडीशन आर यू माई नीड टू हैव सम इंप्रूवमेंट देयर इन सम काइंड ऑफ स्किल्स देयर तो जब ये चीज क्लियर हो जाए तो नेचुरली दे विल बी फिट फॉर दिस फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज और फोर्थ वाला क्या है फिर उसको प्रॉपरली वो कैरियर डिवेलपमेंट इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना वट आर दोज इनिशियेटिव यू हैव टू सी वट काइंडिफरेंट ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड कैन इट बी डॉब आर शुड यू शुड बी सेंडिंग दैम सम इंस्टीट्यूशन फॉर द फॉर्मल एजुकेशन ताकि उस सारी चीज़ को साइकिल को कंप्लीट किया जाए विच स्टार्टेड विद दी मैचिंग दी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड द इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट जब आप, आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का सोचा तो उसके लिए एक्सपेंशन के भी नई पोजिशन है नई इक्विपमेंट है नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप तो इसका मतलब है आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं अब जब नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स भी होंगी तो लुक एट योर ऑन एंप्लॉइज और उनको गेज करें कि उनकी क्या उनके पास क्या एबिलिटीज हैं और कैसे फिर आप उसको वो इनिशिएटिव लेंगे कि वो सारी चीजें जो कमी है अगर किसी बेस पे और उनके पास थ्रस्ट भी है वो करना भी चाहते हैं तो यू फेसिलिटेड दें And what is going to happen? The individual will develop, and the organisation will develop naturally. And don't you think it is kind of symbiosis relationship? They are linked, and that is what is the role of HR department to identify all such type of opportunities to identify all such type of potentials and prepare their workforce to meet those requirements to be at that level of performance and ultimately what is going to happen the individual will develop and the organization will develop Clear? i think enough us, of carrier we are not done still have to discuss few aspects and we will be covering those aspects in next lecture let's quickly summarize what we have covered today we started with carrier carrier catch or which बेसिक टर्म्स जो इससे रिलेटेड है कैरियर पाथ कैरियर गोल्स कैरियर मैनेजमेंट कैरियर प्लानिंग इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया व्हाट शुड बी नेक्स्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, विल बी कंटिन्यूइंग विद द कैरियर और उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस आपने आज देखा कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए परफॉर्मेंस इज द मस्ट तो परफॉर्मेंस है क्या चीज क्या इंग्रेडिएंट्स उसके साथ होते हैं और किस तरह आप लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं और दूसरों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड ऑल दो थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट परफॉर्मेंस और फिर नेचुरली हमारा जो एच का एक मेजर एक्टिविटी होती है दैट इज परफॉर्मेंस अपराइजर एंड हाउ यू विल बी डूइंग थिंग क्योंकि आपने जैसे मैंने आपसे कहा कि वन वे अदर वे यू हैव टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन आर यू पीपल विल बी वर्किंग विद यू तो आपको तो पता होना चाहिए सबको पता होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है क्यों की जाती है कैसे की जाती है और इसका फायदा क्या तो ये चीजें हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ते हैं तो हाउ आर वी डूइंग आई बिलीव नाउ यू शुड बी क्लियर अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर आज का लेक्चर सुनने के बाद वाई डोंट यू डू दिस वे गेट दोज that पर, जो आपने टाइप करके रखा हुआ अपना नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान या टेन ईयर प्लान उसके निकालिए और जरा अब उसको उस नज़र से देखिए जो कैरियर पाथ और कैरियर प्लानिंग हमने आज पढ़ा है कि क्या आपने कुछ चीजें वो इंकारट की हुई हैं उसके अंदर और फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर थिंकिंग वाई यू प्रिपेयर यूर प्लान फॉर नेक्स्ट फाइव और टेन ईयर क्या इसके अंदर कोई गोल फिक्स किए हुआ आपने और जो कैरियर पाथ आपने बनाया हुआ अगले नेक्स्ट पांच दस साल के अंदर वो किस तरफ आपने रखा हुआ है डोंट फॉर गेट टू रीड द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट लेक्चर ये जो आज किया है इसको भी दोबारा पढ़ लीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत करेंगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टाइम सलामकुम थैंक यू